हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आपको ये जूनागढ़ शासन गिर वाले व्लॉग सीरीज में मजा आ रही है। और मैं रेडी हो चुका हूँ और बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। आज का दिन है शासन गिर जाने का। और या कहीं सभी आधे घंटे में निकलेंगे। मैं बाकी सबका वेट कर रहा हूँ और मेरी पैकिंग भी कम्प्लीट कर रहा हूँ अभी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। So guys, हम फाइनली यहाँ गेट पे आ चुके हैं। जैसे तैसा करते जैसे तैसा कि मैं अभी बताता हूँ। हम लोग जब जूनागढ़ से निकले तो हमें रास्ता पता नहीं था, आधा रास्ता ही पता था। तो हमने गूगल मैप स्टार्ट किया और मैं बता रहा हूँ, जूनागढ़ से हाईवे तक आने के लिए गूगल मैप यूज मत करना। गूगल मैप ने हमें बुरा फंसा दिया। हमें ऐसे रास्ते बेच दिया जहाँ पे फोर व्हीलर की जाने की जगह ही नहीं हो, जहाँ डेड एंड हो। बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहां से हमने निकाली है। पूरी 1 किलोमीटर का ऑलमोस्ट रास्ता था, वो पूरा रास्ता मैंने रिवर्स में कार लेके निकाली है। गूगल मैप पे भरोसा मत रहना। आप वही लोकली सबसे पूछ लेना कहाँ से रास्ता है कहाँ से नहीं, वैसे आना, गूगल मैप से मत आना। अभी हम फाइनली आ चुके हैं सासनगीर। अभी वो परमिट लेने गए और जीप बुक करवाने गए। तो उसका जो भी सब चार्जेस होगा, कैसे करना है, जो भी अभी मेरे को भी नहीं पता है। तो जैसे होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अभी। अगर आप सासन आते हो तो आपको पहले ऑनलाइन परमिट लेना पड़ेगा। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो 1000 रुपये का आएगा। वहाँ पे आपको कितने पर्सन है और उनके डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद ये सासन आके यहाँ पे एक विंडो है, वहाँ जाके आपको वो परमिट दिखाना होगा। और आप लोग जितने लोग आए उन सबके डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ सबमिट करवाने होंगे, दिखाने होंगे, वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको जीप अलॉटमेंट होगी, उसकी प्राइस फिक्स है 2000 रुपीज। और बाकी जितने पर्सन हो उनके हिसाब से होगा। हम 5 लोग थे तो 2000 रुपये हुए हमारे। और अगर आप पर्सनल गाइड लेते तो उनके 400 रुपये। हाँ, उनके 400 रुपये, मतलब सब मिला के 3400 रुपये होता है पूरा। हमारी कार आ चुकी है और अभी हम थोड़ी देर में 5 मिनट में निकलने वाले हैं। और यहाँ पे गाइस भीड़ देख लो, ये सब गाड़ी सब वहीं जाएंगी। ये हमारी कार है, ये बॉय। सब बैठ गए और चलते हैं। चले, हमारी सवारी चली। हमारी सफारी चले जा रही है, एकदम मस्त ठंड है। और या मैं आपको बेस्ट पार्टी दिखाऊंगा, पूरी सफारी तो नहीं दिखाऊंगा, आपको बोर नहीं करना है मेरे को। तो जो जो साइड सीन मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्ट। We'll be right back.
लगता नहीं ये कैमरा, ये आपको अच्छा रिजल्ट दिखा पाएगा। ये तो ओरिजिनल जो दिख रहा है ना, मौसम मजा आ गया, मौसम मौस पड़ गया ये। तो गाइस मैं सबसे ऊपर आके व्यू पॉइंट पर व्यू देखो, सिर्फ बेस्ट व्यू 360 व्यू। ये व्यू देख लो, देखो वहां नीचे हेलो। या कुछ पड़ा है यारा, बाय। हाँ ले लिया है। खाने की रक्षा कर रहा है क्या ये? टाइल में बैठो मारे, टाइल मारी मार। पोज़ आप दी था। मैं लेके मेरा फोटो बना रहा थी। को बसो। इसके बाल देखो, गोल गोल घूम रहे हैं। यहाँ पर हमारी ये सफारी खत्म हुई। तो गाइस हमारी सफारी खत्म हो चुकी है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और अभी सोमनाथ जाएंगे। और यहाँ पार्किंग में गिफ्ट शॉप थी, तो यहाँ से हमने सुविनियर ये मैग्नेट्स ले लिए, फ्रिज मैग्नेट्स।
सो या गाइस, और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जरूर आना सफारी करने के लिए, ग्रेट एक्सपीरियंस है। आज हमारा लकी डे था ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि हमें लायन दिख गया। और या गाइस जरूर आना, और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मजे है, मजा आएगा, आना, रिकमेंडेड है। तो गाइस हमारे प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, अभी हम सोमनाथ जाना हमने कैंसिल किया है, वहाँ पे हम शायद कल जाएंगे या पता नहीं कब। सो अभी तो हम लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जामवाड़ा, वहाँ पे एक वाटरफॉल है वहाँ देखने जा रहे हैं, उसके बाद द्रोणेश्वर महादेव जाएंगे। मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आप सासण गेट से सोमनाथ जा रहे हो तो बीच में एक तलाला करके है, वहाँ पे अगर आपको अच्छा गुजराती खाना खाना हो तो यहाँ एक अन्नपूर्णा डाइनिंग हॉल करके जगह है, वहाँ पे आना, बस स्टेशन के थोड़े ही आगे, बहुत अच्छा खाना है, 100 रुपीज प्राइस है, अनलिमिटेड है गुजराती, और बहुत बढ़िया खाना है, हमने भी यहीं खाया है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, अगर आप आ रहे हो तो इस साइड, तो क्या गाइस, ये जो वाटरफॉल है हम यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे भी ये सेम है, गूगल में फॉलो मत करना वरना पहुंच ही नहीं पाओगे कभी, है थोड़ा ही चलना है, देखते ही कितना चलना है, रास्ता देखो मेरे भाई, अबे दिख भी जा आप दोध इस साइड कहाँ पे है, देखते है ढूंढता हूँ, चलो बाद में दिखाता हूँ आपको। अभी जो जगह मैंने दिखाई थी वो जगह नहीं है एक्चुअली, वहाँ तो सिर्फ नहाने के लिए लोगों के लिए ऐसी जगह है, असली वाटरफॉल आ गया, तो मैं भी अकेला देखने चाह रहा हूँ, अगर होगा तो बाकी सबको बुला लूंगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत खराब है और धूप भी बहुत है, देखते दिखाऊंगा आपको। अपडेट गाइस, फाइनली वाटरफॉल मिल चुका है, बहुत बढ़िया है, वहाँ पे वो जो मैं पहले देखा है वहाँ पे सब नहा रहे, तो ये वाटरफॉल है यहाँ से, यहाँ पे देखो वहाँ ना भी रहा है, सही है, ओ ये गया, सही है बेड़ा, मौत कर दी बेड़ा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा ठीक से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कैमरा ये जस्टिफाई कर पाएगा, लेकिन जो मैं नेचुरल देख रहा हूँ ना, ब्यूटीफुल। बाइक पे घूमने का मजा ही अलग है, और ये हमारी पीछे हमारी गाड़ी है, बाय बाय। ये हमारे पेंटू भाई यहाँ के आचार्य है, और ये आज हमें ये द्रोणेश्वर महादेव के बारे में बताएंगे।
मेरा आवाज ठीक से आ रहा होगा और ये द्रोणेश्वर महादेव हमारा आखिरी स्पॉट था जहाँ पे हम जाने वाले थे और अब हम घाटोड़ जा रहे हैं जहाँ हम रात रुकने वाले हैं और वहाँ पे जो कमों के रुकेंगे मैं वो कमों पे आपको दिखाऊंगा। तो भाई सभी हमें यहाँ जो कहाँ पे वहाँ पे आए और ये देखो पूरा फार्म है और ये और अभी हम यहाँ से ट्रैक्टर में जंगल में जाएंगे। सॉरी गाइस लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा लेकिन ये है हमारी सवारी। ये चली हमारी सवारी पापा। सॉरी गाइस ये राइड थोड़ी बम्पी होगी लेकिन मजा आ रहा गाइस। ट्रैक्टर के सवारी करने की मजा तो बहुत आता है। मेरे को भी झुकना पड़ा क्योंकि दोनों से चाड़िया ही चाड़िया है कुछ रहा नहीं है। वो मेरा बच गया मजा आ रहा है। I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive. और हमने डिनर भी कम्प्लीट कर लिया और हम वहाँ जो विला में रुकने वाले थे वो प्लान कैंसिल हुआ और अभी हम होटल में आ चुके हैं और होटल काफी सिंपल सा है। एक रूम है और एक वॉशरूम है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ शॉर्ट में कैसा है कैसा नहीं और मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो यहाँ से एंट्री है और अंदर आते ही या इनका वार्डरोब है और ये बड़ा सा मिरर है और ये बड़ा सा बेड और ये एक एक्स्ट्रा गद्दा भी मंगवा लिया है और यहाँ पे वॉशरूम है। सो या गाइस यही है छोटा सा रूम और ये टीवी। आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और बन जाए मेरी फैमिली का हिस्सा। और आज का ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।